हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीव्स के बारे में, मतलब कि पत्तियों के बारे में। तो ये अभी तक हम लोग मॉर्फोलॉजी में हमने देख लिया था स्टेम के बारे में, हमने देख लिया था रूट्स के बारे में, उनकी डिफरेंट मॉडिफिकेशन, जो भी बेसिक चीज़ें आपको जाननी थी वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पत्तियों के बारे में, लीव्स के बारे में। मैं जब छोटी थी तो मुझे बड़ा कन्फ्यूजन होता था कि लीव की स्पेलिंग LEAF होती है या LEAVES होती है। फिर बाद में मेरे को पता चला कि LEAF जो है वो सिंगुलर फॉर्म है और LEAVES जो होती है वो प्लूरल फॉर्म है। तो अगर आपको भी ये कन्फ्यूजन होता है, मे भी आपको ना होता हो, पर मुझे बचपन में होता था तो मैं रिलेट कर पाती थी इस प्रॉब्लम को, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले हम जानेंगे कि लीव के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें एक लीव में प्रेजेंट होती है। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर इस तरीके से प्रेजेंट है, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये क्या है, ये है स्टेम। ये क्या है, स्टेम। स्टेम पे क्या होता है कि स्टेम ये है और स्टेम से यहाँ से निकलती हैं कुछ लेटरल, जो है कि लेटरल इस तरीके से जो है कि कह सकते हैं पेटियोल, जिसे मतलब कि लीफ को फॉर्मेशन के लिए जो पतला सा डंडी निकलता है उसे हम लोग पेटियोल कहते हैं। पेटियोल के दोनों साइड्स में मे बी स्टिप्यूल्स जैसा एक छोटा छोटा सा आउट ग्रोथ प्रेजेंट हो सकता है या एबसेंट हो सकता है। अगर ये प्रेजेंट है तो इसे हम लोग कहते हैं स्टिप्यूल, जो स्टिपुलेट्स कहते हैं, ये लीफ क्या है, स्टिपुलेट्स है। अगर नहीं होती है या ये स्टिप्यूल्स एबसेंट होते हैं तो हम लोग इसे कहते हैं एक्स स्टिपुलेट्स, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो लीफ होती है, मतलब ये पेटियोल होता है, पेटियोल के आगे जो है इस तरीके से लीफ लैमिना होती है। लीफ लैमिना होती है, मतलब जो लीफ की कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको जो ग्रीन ग्रीन दिखता है उसे हम लोग कहते हैं लीफ लैमिना। लीफ लैमिला को लीफ ब्लड भी कहते हैं और कंप्लीट स्ट्रक्चर को लीफ कहते हैं। ये सेंटर में जो मोटी सी वेन आपको दिख रही है इसे हम लोग कहते हैं मिडरिब, और इसके बगल बगल में ये जो पतली पतली वेन निकली है इसे हम लोग कहते हैं लेटरल वेन्स, ठीक है। तो ये है कि लीफ की जो है कॉमन स्ट्रक्चर्स, इसे हम लोग एक बार ड्रॉ करके भी समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या है। हमारे पास एक स्टेम है, हमारे पास इस तरीके से एक स्टेम है। इस स्टेम पे हमने क्या देखा कि यहाँ से एक ऐसे आउटग्रोथ निकलती है। इस आउटग्रोथ के जस्ट यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, जस्ट यहाँ पे आपके प्रेजेंट होती है एक्सिलरी बड्स। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारे पास एक्सिलरी बड्स। एक्सिलरी बड्स तो मान लो हर लीफ के पास प्रेजेंट होती है, लेकिन एक और स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो सिर्फ कुछ लीफ में पाया जाता है, सारे का ये फीचर्स नहीं है। वो होता है कि लीफ की ये जो डंडी निकलती है जिस पे लीफ लगा होता है, उसके दोनों साइड ऐसे छोटा छोटा जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्टिप्यूल्स। क्या कहते हैं, स्टिप्यूल्स। ये स्टिप्यूल्स जो है कि अगर प्रेजेंट है तो ऐसी लीफ को हम लोग कहते हैं एक्सप्लेट्स, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो इसे हम लोग कहते हैं एक्स स्टिप्लेट्स। मतलब एक्स का मतलब कि वो एबसेंट है, स्टिप्लेट्स या फिर एक्सट्रप्लेट्स। अब क्या है कि हमारे पास ये जो स्टेम, ये जो हमारे पास है पतली सी डंडी, इसे हम लोग कहते हैं पेटियोल। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पेटियोल। इसे हम लोग कहते हैं पेटियोल। इस पेटियोल के आगे आप देखेंगे तो इस तरीके से एक लीफ लाइक, ये जो है आपको जो आपका लीफ दिखता है वो वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये है आपका लीफ जिसे हम लोग कहते हैं लीफ ब्लेड या लीफ लैमिला। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड, ब्लेड, या फिर इसे हम लोग कहते हैं लीफ लैमिना, या फिर क्या कहते हैं, लीफ लैमिना, लीफ लैमिना कहते हैं। अब क्या है कि ये जो बीच में से पेटियोल आया था ये आगे जाके थोड़ा पतला हो जाता है और ये आगे की तरफ कंटिन्यू करता है और इस तरीके से ये बनाता है एक मोटी सी वेन जो कि वैस्कुलर सिस्टम का फंक्शन परफॉर्म करती है, लीफ को जो न्यूट्रिशन वगैरह चाहिए होता है वो प्रोवाइड करती है। इसे हम लोग कहते हैं मिडरिब। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मिड रिब। ये होती है मिडरिब। मिडरिब के साइड्स में इस तरीके से जो है लेटरल जो है वेन्स निकली होती है, जो कि लेटरल में जो टिश्यूज प्रेजेंट होती है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, और इस लेटरल की वेन्स में आगे चल के और भी जो है इस तरीके से जो है डिविजन्स होते हैं ताकि हर सेल्स तक न्यूट्रिशन पहुँच सके। इस तरीके से एक प्रॉपर जो है वेनेशंस होता है, प्रॉपर एक जाल बन जाती है जिसे हम लोग कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ये हम आगे देखेंगे, कुछ लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन होती है, कहीं पर पैरेलल वेनेशन होती है। तो ये जो है ये होती है लेटरल वेन्स। इसे हम लोग कहते हैं लेटर
पेक्टोरल वेन। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, ये स्ट्रक्चर है एक लीफ का, और इसमें हम लोग देखने वाले हैं लीफ के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लीफ में जो ये पेटियोल वाला रीजन होता है इसके बारे में देखेंगे। लीफ बेस जो होता है जहाँ पे ये अटैच्ड होते हैं वो किस तरीके का होता है इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद लीफ ब्लेड्स में कौन कौन से तरीके होते हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे फाइलोटैक्सी के बारे में। फाइलोटैक्सी क्या होता है, इसको मैं एक बार इरेज कर देती हूँ। फाइलोटैक्सी क्या होता है कि अगर कोई स्टेम है, अगर कोई इस तरीके से स्टेम है, इस स्टेम पे लीफ क्या ऐसे एक साइड इधर की लीफ यहाँ लगी है, एक लीफ यहाँ लगी है, क्या इस तरीके से अरेंजमेंट है, या फिर अरेंजमेंट इस तरीके की एक लीफ यहाँ प्रेजेंट है, दूसरी लीफ यहाँ प्रेजेंट है, तीसरी लीफ यहाँ प्रेजेंट है, तो क्या ऐसा अरेंजमेंट है। तो लीफ की अरेंजमेंट या फिर एक जगह पे ऐसा स्टेम है और यहाँ पे जो है नोड्स प्रेजेंट है, नोड्स की जो इधर 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 चारों तरफ जो है लीफ प्रेजेंट है, तो कैसी लीफ की अरेंजमेंट किसी स्टेम के ऊपर आपको देखने को मिलती है, इसे हम लोग कहते हैं फाइलोटैक्सी। मतलब फ्लावर के ऊपर जो एक पडंग एक डंडी होती है, स्टेम होता है, उसके ऊपर जो लीफ की अरेंजमेंट होती है उसको कहते हैं फाइलोटैक्सी। उसके बाद एक और चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, वो होता है क्या, वेनेशंस। वो क्या होता है, वेनेशंस के बारे में देखेंगे। वेनेशन में हम क्या देखते हैं कि हमारी जो लीफ है, इस तरीके से मान लो हमारी कोई लीफ है, इस तरीके से मान लीजिए हमारे पास कोई लीफ है, इस लीफ में जो वेन्स है उनका अरेंजमेंट ऐसा ऐसा है, या फिर मतलब इसमें ऐसे लेटरल 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 पूरी अरेंजमेंट है, या फिर हमारा जो लीफ है उसमें जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल इस तरीके से एक लंबी सी लीफ है, और इस लीफ में क्या है कि ऐसी अरेंजमेंट है कि बिल्कुल सीधी सीधी एक एक मिड में गई है थोड़ी मोटी सी, और फिर उसके बाद बगल बगल में सब ऐसे पतली 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 सीधी सीधी लाइन जो गई हैं, सीधी सीधी वेन्स गई हैं, तो क्या ऐसी अरेंजमेंट है, तो इसे कहते हैं रेटिकुलेट, इसे कहते हैं पैरेलल वेनेशन। तो मतलब कि हमारे लीफ में जो वेन्स प्रेजेंट हैं, जो वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, वैस्कुलर टिश्यूज जो प्रेजेंट हैं, उनकी अरेंजमेंट कैसी होती है, इसे हम लोग कहते हैं वेनेशन। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे वाली वीडियो में आने वाली में पढ़ेंगे। सबसे पहले लीफ होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, एक बार देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ऑफ द प्लांट। आप सबको पता है कि प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। ऑटोट्रॉफिक क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस कर पाता है, और ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है कहाँ पे, लीफ में प्रेजेंट होता है। तो लीफ मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है जो कि प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके बाद क्या है, इट इज़ अ थिन फ्लैटेंड, ये जो है थिन होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, आउट ग्रोथेड ऑफ द प्लांट अराइज फ्रॉम द नोट्स ऑफ द स्टेम, और ये जो स्टेम के नोट्स होती है वहाँ से आउट ग्रोथ होते हैं, वहाँ से निकले होते हैं, वहाँ से प्रारंभ हुए होते हैं। तो ये हो गई लीफ की बेसिक बातें। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन लीफ कितने प्रकार की होती है, मतलब कि लीफ के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के हिसाब से लीफ कितने अलग अलग तरीके के होते हैं, वो यहाँ पर दिया गया है। तो लीफ का मतलब क्या, सिर्फ वही जो आपको हरी हरी पत्तियाँ दिखती हैं सिर्फ वही लीफ नहीं होता, लीफ के बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं, लीफ के बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। सबसे पहली जो लीफ है उसे कहते हैं कॉटिलेडनस लीफ, दूसरी लीफ को कहते हैं ब्रैक लीफ, तीसरा टाइप कहलाता है कैटाफाइलस लीफ, चौथा टाइप कहलाता है स्पोरोफाइलस लीफ, पांचवा टाइप कहलाता है फोलियज लीफ। तो हम जो आप जो मेन ग्रीन लीफ देखते हैं, जैसे आम की लीफ देख लिया आपके दिमाग में जो फिगर आया, अमरूद की लीफ सोच के जो दिमाग में फिगर आया, वो फोलियोज लीफ होता है। वो कौन सा लीफ होता है, फोलियोज लीफ होता है। बाकी ये सारे जो लीफ होते हैं इस पे आपने कभी शायद ही ध्यान दिया होगा। कॉटिलेडनस लीफ का मतलब क्या है, कॉटिलेडनरी से आपको क्या समझ में आ रहा है, डाइकॉट्स मोनोकॉट्स, मतलब जो सीड होते हैं, जो सीड आपका बनता है उसमें क्या होती है, एक एम्ब्रियोनल एक्सेस होती है, मतलब एक सेंटर में क्या होती है, इस तरीके से एम्ब्रियोनल एक्सेस होती है, और इस एम्ब्रियोनल एक्सेस के साइड में इस तरीके से जो है कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं। इस एम्ब्रियोनल एक्सेस के साइड में क्या होते हैं, कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कॉटिलेडन्स भी क्या होते हैं, ये लीफ का ही एक मॉडिफिकेशन होते हैं। मतलब कि ये लीफ क्या करती है, ये फूड स्टोर करके फूल जाती है, स्वेलन हो जाती है, और ये जो है कि जब सीड डेवलप करता है, जब सीड जो मतलब कि जो एम्ब्रियो है वो जर्मिनेट करके अपने साइज को इंक्रीज करता है, तो ये कॉटिलेडरी जो लीफ होती हैं, ये लीफ क्या करती हैं, ये लीफ जो है कि उस टाइम इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, और इसमें क्या होता है, फूड स्टोर जाता है। तो ऐसी लीफ को कहते हैं कॉटिलेडरी लीफ। मतलब जो कॉटिलेडन्स होते हैं वो भी एक प्रकार का लीफ होते हैं जो कि एम्ब्रियोनल एक्सेस का फूड स्टोर करते हैं, और जब ये एम्ब्रियोनल एक्सेस डेवलप करता है तो ये उसको फूड प्रोवाइड करते हैं ताकि उसकी डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। जैसे आप चना वगैरह देख सकते हैं, तो उसमें जो आपको कॉटिलेडन्स दिखते हैं वो भी एक प्रकार का लीफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, ब्रैक्ट लीफ। ब्रैक्ट लीफ क्या होते हैं, कभी कभी क्या होता है, ब्रैक्ट एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आपने कभी वो
फ्लावर देख फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स पढ़े होंगे, तो वहाँ पे हमने चार मेन पार्ट्स पढ़े होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गायनोशियम। लेकिन कैलिक्स के भी बाहर, आउटसाइड ऑफ कैलिक्स आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। जैसे कि आप अगर हिबिस्कस देखते हैं, हिबिस्कस का फोटो जैसे डायग्राम बनाते हैं, तो जो फ्लावर्स आप लोग हिबिस्कस का बनाते हैं, तो उसमें हम लोग ऐसे तरीके से बनाते हैं ना कि ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि कैलिक्स को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद उसमें फिर ऐसे बड़ा बड़ा फ्लावर बना देते हैं, इस तरीके से बड़ा बड़ा फ्लावर बना देते हैं, पंखुड़ी बना देते हैं, जो कि इसके कोरोला को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद यहाँ पे इसके जो है फीमेल को बना देते हैं, मेल को बना देते हैं। तो ये हो गया हमारा वो। उसके बाद जब हम यहाँ पे करते हैं इस तरीके से नीचे, तो यहाँ पे हम छोटा छोटा जो है कि ऐसे ऐसे छोटा छोटा स्पाइंस दिखा जैसा स्ट्रक्चर दिखाते हैं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आप फ्लावर में देखते हैं, हिबिस्कस वगैरह के, उसे हम लोग कहते हैं ब्रैक्ट। वो क्या होता है? ब्रैक्ट होता है, ये क्या करता है, ये बर्ड्स वगैरह को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जब वो इमेच्योर कंडीशन में होते हैं तब। तो हमारे पास जो ब्रैक्ट लीफ होती है, ये क्या होती है, कभी कभी क्या होता है, ब्रैक्ट साइज में कलरफुल हो जाता है, या फिर ये जो ब्रैक्ट होते हैं ये भी तो एक प्रकार के लीफ होते हैं जो ना तो फोलियोस लीफ में कंसीडर किए जाते हैं, ना तो वो जो है स्पोरोफाइलस लीफ में, मतलब जो रिप्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबल लीफ है उसके लिए उसमें कंसीडर किए जाते हैं। तो जो ब्रैक्ट लीफ होते हैं, मतलब कि जो फ्लावर का ब्रैक्ट वाला पार्ट होता है, जैसे आप बोगनवेलिया वगैरह देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि आपको फ्लावर बीच में सेंटर में बहुत छोटा सा दिखेगा, और उसकी पत्तियां जो है जो ब्रैक्ट होता है वो बड़े साइज में और पिंक पिंक कलर के आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर में बोगनवेलिया देखने को मिलेगा, तो वो देखने को मिलते हैं। तो वहां पे ब्रैक्ट लीफ, ऐसी जो लीफ होती है जो ब्रैक्ट होती है लीफ की तरह मॉडिफाइड हो जाती है, उसे हम लोग कहते हैं ब्रैक्ट लीफ। नेक्स्ट में क्या है, कैटाफाइलस। कैटाफाइलस क्या होता है, कुछ लीफ जैसे स्केली लीव्स होती है जो कि प्रोटेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करती है, उसे हम लोग कहते हैं कैटाफाइलस। ठीक है, जैसे आप ऐसे बहुत सारे प्लांट्स देखेंगे जिसमें क्या होता है कि लीफ माइन्यूट ब्राउन कलर के होते हैं, फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं और वो प्रोटेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ऐसे लीफ को हम लोग क्या कहते हैं, कैटाफाइलस। नेक्स्ट में हमारे पास है स्पोरोफाइलस। स्पोरोफाइलस का मतलब क्या है, वो सारे लीफ जो कि स्पोर फॉर्मेशन में, मतलब कि जो रिप्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे आपका कैलिक्स हो गया, करोला हो गया, एंडोशियम हो गया, गायनोशियम, मतलब कि सेपल, पेटल और जो है कि स्टेमन और कार्पल, ये जो चार स्ट्रक्चर होते हैं ये कहलाते हैं हमारे एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइलस लीफ कहलाते हैं। और लास्ट में जो फोलियोज लीफ है वो आपका मेन लीफ है जो कि फोटोसिंथेटिक नेचर का होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, जो आपको प्लांट में मेनली लीफ दिखते हैं, चाहे वो पाम ट्री का लीफ हो, चाहे वो आम का लीफ हो, चाहे बरगद का हो, चाहे बनियान का हो, मतलब शायद पीपल का हो, जो भी आप लीफ इमेजिन कर पाते हो वो मेनली फोलियोज लीफ होता है। तो इस तरीके से आपको पता चला कि लीफ कितने तरीके के होते हैं। कॉटिलेडनरी लीफ, मतलब जो दाल आप कह के खाते हैं, तो वो भी एक प्रकार की लीफ का ही मॉडिफिकेशन है। जो ब्रैक्ट होता है, जो बोगनवेलिया के सुंदर फ्लावर्स आपको देखने को मिलते हैं, वो भी एक प्रकार के लीफ का मॉडिफिकेशन होते हैं। कैटाफाइलस लीफ, मतलब कि कुछ लीफ प्रोटेक्शन का काम भी प्रोवाइड फंक्शन करते हैं। कुछ स्पोरोफाइलस लीफ होते हैं, जैसे कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गायनोशियम की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो भी लीफ का ही मॉडिफिकेशन होती हैं। और कुछ फोलियोज लीफ होते हैं, जैसे कि आम, बनियान, ये सब की जो लीफ होती हैं जो आपको हरी हरी दिखती है, जो फोटोसिंथेटिक होती है, उसे हम लोग कहते हैं फोलियोज लीफ। तो ये हो गया, अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन एंड ओरिजिन लीफ आर फॉलोइंग ग्रुप इन द, मतलब कि लीफ आर ग्रुप इन द फॉलोइंग। तो ये तरीके थे, कुछ टाइप्स थे जो कि लीफ को रिप्रेजेंट करते थे। अब हम लोग नेक्स्ट में देखने वाले हैं क्या, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लीफ। लीफ में अभी हमने देखा कि एक लीफ बेस होता था, एक पेटियोल होता था, एक लीफ लैमिला होता था। मतलब कि जैसे हमने अभी लीफ का डायग्राम जब ड्रॉ किया था तो हमने देखा था कि इस तरीके से हमने स्टेम बनाया था। स्टेम पे ये यहां पे जहां से पेटियोल निकला था वहां पे लीफ बेस था, इस स्ट्रक्चर को कहते थे लीफ बेस। इसको हमने क्या कहा, लीफ बेस। लीफ बेस के बाद हमारे पास क्या है, ये जो मोटी सी डंडी जैसी आपको स्ट्रक्चर दिख रही थी, इसे हम लोगों ने कहा पेटियोल। इसे हमने कहा पेटियोल। पेटियोल के आगे जो आपको बड़ी सी लीफ दिखती है, फोटोसिंथेटिक जो बड़ा सा एरिया दिखता है, इसे हम लोगों ने कहा था लीफ लैमिला। इसे हमने कहा था लीफ लैमिला। तो एक लीफ के यही तीन पार्ट होते हैं। हम लोग एक एक करके पहले लीफ बेस को डिस्कस करेंगे, फिर पेटियोल को डिस्कस करेंगे, फिर लैमिला को डिस्कस करेंगे, उसके डिफरेंट फॉर्म जो होते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो मतलब कि लीफ के तीन पार्ट होते हैं, लीफ बेस, लीफ जो पेटियोल और लीफ लैमिला। तो सबसे पहले हम लीफ बेस के बारे में डिस्कस करेंगे, कितने डिफरेंट तरीके के लीफ बेस पॉसिबल है या इन नेचर में पाए जाते हैं। तो लीफ बेस क्या है, इसका एक डिफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द बेसल पोर्शन ऑफ ऑफ विच
which the leaf is attached to the stem or branch, there are different type of leaf bases. मतलब कि ये वो वाला basal portion है जहाँ से कोई leaf attached होती है किसी stem से. मतलब कि यहाँ पे हमारे पास stem है, यहाँ पे हमारे पास leaf है. अब ये leaf हवा में तो उड़ेगी नहीं, कोई तो ऐसा area होगा जो इस leaf को इस stem से attach करके रखता है. तो ये जो area जो इसे यहाँ पे attach करता है, इसी को हम लोग कहते हैं leaf base. ये area कहलाता है leaf base. तो वही चीज यहाँ पे दी है, it is the basal portion of by which leaf is attached to the stem. ये वो basal portion है जहाँ पे leaf attached होता है किसी stem से या फिर branch से. And it is different type of leaf base. यहाँ पे different type के leaf bases हमारे nature में देखने को मिलते हैं. सबसे पहला जो है leaf base वो है pulvinus. ये क्या है, एक प्रकार का leaf base है. यहाँ पे क्या होता है, leaf base becomes swollen and leaf is easy to plug because to weak attachment with the stem. आपने बहुत सारे ऐसे plant देखे होंगे जहाँ पे आपने देखा होगा कि ये क्या है, हमारे पास स्टेम है, ये हमारे पास क्या है, स्टेम है. और स्टेम पे जैसे ही लीफ अटैच्ड होती है वहाँ पे एक स्वेलन सा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे एक फूला सा स्ट्रक्चर होता है. इसे हम लोग कहते हैं पल्विनस. मतलब कि इसे हम आसानी से तोड़ सकते हैं. जैसे आप एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं, जो जामुन का पेड़ होता है उसमें जो लीफ होती है उसका जो ये स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी स्वेलन होता है, उसे हम लोग कहते हैं पल्विनस. ये अगर आप आसानी से जामुन के पेड़ से ऐसे टक से करेंगे तो ये टूट जाएगा. ऐसे ही बहुत सारे अदर प्लांट्स भी होते हैं जहाँ पे इस तरीके के पल्विनस आपको देखने को मिलते हैं. यहाँ पे ये पल्विनस आसानी से प्लांट से अलग हो जाते हैं. क्योंकि अलग हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत वीक ही अटैच्ड होते हैं, लेकिन स्वेलन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये अटैच्ड बहुत वीकली होते हैं. तो ये भी एक प्रकार का लीफ बेस है जिसे हम लोग पल्विनस कहते हैं. ठीक है, पल्विनस में क्या है कि हमारा स्टेम से हमारा जो लीफ अटैच्ड है वो एक स्वेलन पोर्शन के थ्रू अटैच है. और ये स्वेलन पोर्शन देखने में भले मोटा सा है लेकिन इसके जो अटैचमेंट है वो बहुत वीक होता है. आसानी से ऐसे लीफ को आप तोड़ सकते हैं. नेक्स्ट में आपके पास क्या है, सीथिंग. सीथिंग आपको मेनली देखने को मिलेगा मोनोकॉट्स प्लांट्स में, जो है कि वहाँ पे आपको क्या होता है कि जो मेन स्टेम होता है वहाँ पे लीफ जो बनती है, जैसे कि कहाँ पे मैं आपको बताऊँ, वेट, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर सेट कर देती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक स्टेम था. ठीक है, स्टेम के इधर जो है लीफ बन रही थी. तो लीफ डायरेक्ट इस तरीके से बनती नहीं है, इस तरीके से लीफ नहीं बनती. इसका जो लीफ बेस होता है वो क्या करता है कि कुछ दूर तक, मान लो कि यहाँ पे नोट्स प्रेजेंट था और यहाँ पे दूसरी नोट्स प्रेजेंट थी, तो कुछ दूर तक आप देखेंगे कि लीफ इस तरीके से, लीफ की बेस जो है वो कंप्लीट जो है स्टेम को कवर की रहेगी. उसके बाद जो है ये लीफ इस तरीके से जो है कि लीफ का फॉर्मेशन करेंगे. तो ऐसी लीफ को कहते हैं लीफ सीथ. यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, इस तरीके से फिगर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास कौन सा कलर यहाँ बेस्ट विजिबल होगा. यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए कि हमारे पास इस तरीके से एक स्टेम है. यहाँ पे हमारे पास एक स्टेम है और ये स्टेम इसके अंदर भी है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे नोड प्रेजेंट है जहाँ से लीफ निकल रही थी. ये लीफ डायरेक्ट यहाँ से इस तरीके से नहीं ग्रो हो रही है. ये लीफ कैसे ग्रो हो रही है, ये लीफ ग्रो हो रही है कि पहले ये कुछ दूर तक स्टेम के साथ ग्रो होती है. इसकी जो लीफ की बेस होती है वो कुछ दूर तक स्टेम के साथ ग्रो होती है, उसके बाद ये लीफ जो है वो आगे की तरफ ग्रो होती है. इसके बाद ये लीफ जो है वो आगे की तरफ ग्रो होती है, मतलब कि स्टेम से अलग होती है. मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इस टाइप की जो लीफ होती हैं वो पहले इनका बेसल पोर्शन जो है वो फ्लैट हो जाता है और पूरे जो स्टेम होता है उसको कवर कर लेता है. और फिर वो स्टेम को कवर करने के बाद क्या होता है कि वो नोड के कुछ दूर तक साथ में स्टेम के चलता है, उसके बाद फिर वो लीफ वाला स्ट्रक्चर बनता है. मतलब बेसल पोर्शन क्या होती है, फ्लैटेंड हो जाती है और वो कुछ पार्ट तक स्टेम को कवर की रहती है. दिया है लीफ बेस एक्सपांड फॉर्मिंग अ फ्लैट, एक मिनट, दिया है लीफ बेस एक्सपांड. जो लीफ बेस होता है वो एक्सपांड करता है, एक्सपांड करता है फॉर्मिंग अ फ्लैट सीथ, और एक फ्लैट सीथ का फॉर्मेशन करता है. इनक्लोज द स्टेम पोर्शन एबव द नोड्स, और ये जो है स्टेम को एबव द नोड जो है कि कवर किया रहता है, इनक्लोज किया रहता है. और ये देखने को कहाँ मिलता है, मेज में देखने को मिलता है, बनाना में देखने को मिलता है. बनाना की जो स्टेम होती है वो ट्रू स्टेम नहीं होती, इसे स्यूडो स्टेम कहते हैं या फिर फॉल्स स्टेम कहते हैं. क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टेम जैसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता. लीफ की जो सीथिंग होती है, जो बेस होता है,
वही मॉडिफाइड होकर एक दूसरे के ऊपर कवर किया रहता है और वही जो है स्टेम का स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब वहाँ पे ट्रू कोई स्टेम नहीं होती, वो लीफ ही होता है जो कि नोट के चारों तरफ कवर होते 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 उस तरीके से मोटा जो है कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, बट वो जो लीफ होती है उन्हीं की एक कवरिंग होती है। तो इसलिए कहा जाता है इन बनाना सीथिंग सीड फॉर्म अ स्यूडो स्टेम या फिर फाल्स स्टेम। ये जो लीफ बनाना होती है उसमें जो सीथिंग स्टेम होती है वो स्यूडो स्टेम या फिर फॉल्स स्टेम का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में ये होगा कि हमारी स्लाइड कट गई। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में सबसे जो टॉपिक है वो क्या है? डिकरेंट। डिकरेंट में क्या होता है? द लीफ बेस बिकम फ्लैट ब्रॉड विंग्ड कवरिंग द अपर पार्ट ऑफ द नोट्स। यहाँ पे भी वही चीज है, लेकिन यहाँ पे जो कवरिंग होती है वो उतनी ज्यादा नहीं होती है। यहाँ पे नॉर्मली होता है कि हमारे पास स्टेम है, हमारे पास क्या है इस तरीके से, यहाँ पे स्टेम है और इस स्टेम में क्या है कि इस तरीके से हमारे पास लीफ निकली हुई है और ये कुछ हद तक जो है कि स्टेम से अटैच्ड है, उसके बाद वो स्टेम से जो है कि बाहर की साइड रिमूव हो रही है। तो ऐसी जो अटैचमेंट होती है जो लीफ की लीफ बेस की जो है फ्लैटिंग होती है उसे हम लोग कहते हैं डिकरेंट। तो ये भी आप लोग देख लिए। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं एम्प्लिक्स कॉल। इसमें क्या होता है कि जो स्टेम होती है उसके दोनों साइड से लीफ जो है आके स्टेम को पूरा कवर कर लेती है और ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है जैसा आपको फिगर में देखने को मिल रहा है। इसमें दिया है टाइप ऑफ सीटिंग लीफ बेस इनक्लोज द स्टेम कम्प्लीटली। वहाँ पे क्या था कि एक साइड से कम्प्लीट, मतलब कि एक साइड से कवर कर रहा था। सीथिंग बेस में क्या था कि जिस नोट के जिस हिस्से से लीफ निकल रहा था उधर के नोट को वो कम्प्लीटली कवर कर रहा था। इधर का अगर लीफ निकलेगा तो इधर के नोट को कवर करेगा। यहाँ पे क्या है कि लीफ कम्प्लीटली स्टेम को कवर कर ले, लीफ बेस जो है वो कम्प्लीटली स्टेम को कवर कर ले रहा है, ये पॉलीगोनम में देखने को मिलता है। तो ये था चार तरीका जो कि लीफ बेस में रिप्रेजेंट होता है। पहला हमने देखा पल्विनस, और जिसमें कि जो बेसिक पोर्शन है वो थिक हो जाता है। दूसरा हमने देखा सीथिंग, जहां पे नोट से जो लीफ निकलती है वो कुछ हद तक ऊपर जाती है और नोट्स को कवर की रहती है, उसके बाद वो सेपरेट रहती है। बनाना और मेज में आपको देखने को मिलता है। डिकरेंट में हमने देखा कि यहां पे बिल्कुल थोड़े साइड्स में जो लीफ फ्लैट हो जाती है और जो विंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। और यहां पे एम्प्लेक्सिकॉल्स में हमने देखा कि यहां पे क्या हो रहा है कि स्टेम जो है वो कम्प्लीटली लीफ जो है वो कम्प्लीटली स्टेम को कवर कर ले रहा है। नेक्स्ट में हमारा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वो है स्टिप्यूल, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो लीफ की बेस होती है वहाँ से कुछ लीफ में क्या होता है स्टिप्यूल्स बनते हैं और कुछ में स्टिप्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो क्या दिया है? इन सम प्लांट, जस्ट वेट फॉर मिनट, पेन ले लेते हैं। दिया है कि इन सम प्लांट लीफ बेस कंसिस्ट ऑफ स्मॉल अपेंडेजेस। कुछ प्लांट में लीफ बेस जो होती है वो स्मॉल अपेंडेजेस का फॉर्मेशन करती है ऑन बोथ साइड, अपने दोनों साइड्स में। मतलब कि यहाँ पे अगर हमारे पास स्टेम है और यहाँ से जो है लीफ बन रही है तो इसके दोनों साइड, मतलब इस साइड में भी और इस साइड में भी, दोनों साइड में जो है कि स्मॉल जो है अपेंडेजेस का फॉर्मेशन होता है और इसी को हम लोग कहते हैं स्टिप्यूल्स। द लीफ हैविंग स्टिप्यूल्स आर टर्म्ड एज स्टिप्यूलेट्स। जिन लीफ के पास स्टिप्यूल होता है उसे हम लोग कहते हैं स्टिप्यूलेट्स लीफ होता है, और जो लीफ के पास स्टिप्यूल्स नहीं होता है इसे हम लोग कहते हैं एक्स स्टिप्यूलेट्स लीफ। जिनके पास स्टिप्यूल्स होता है उसे कहते हैं स्टिप्यूलेट्स, और जिनके पास नहीं होता है उसे कहते हैं एक्स स्टिप्यूलेट्स। उसके बाद दिया है स्टिप्यूल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेनी प्रोटेक्शन ऑफ द लीफ, मेनली प्रोटेक्शन ऑफ द लीफ। जो स्टिप्यूल्स है वो फंक्शन परफॉर्म करता है प्रोटेक्शन ऑफ लीफ का, मतलब कि लीफ को जब वो मतलब कि कंप्लीटली डेवलप नहीं हुई रहती है तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? स्टिप्यूल्स करता है। नेक्स्ट में हमारा जो टर्म है, अभी तक हमने तीन चीजें देखनी थी, हमको लीफ बेस देखना था, पेटियोल देखना था और लैमिना देखना था। तो लीफ बेस हमने देख लिया, चार प्रकार भी देख लिए, अब हम देखना स्टार्ट करेंगे पेटियोल्स के बारे में। तो पेटियोल्स आपको पता है कि ये वो वाला एरिया है जो कि लीफ बेस से लीफ लैमिला को कनेक्ट करता है। दिया है लीफ पेटियोल कनेक्ट द लैमिला विद द स्टेम। यहाँ पे जो पेटियोल है वो लैमिना को, मतलब जो लीफ लैमिला होती है उसे स्टेम से कनेक्ट करता है। इट इज अ स्मॉल एंड ग्रीन स्ट्रक्चर। ये छोटी सी डंडी होती है जो कि ग्रीन कलर की होती है, अपर पोर्शन ऑफ विच कंटिन्यूज द लैमिला, जिसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये लैमिला के साथ कंटिन्यू करता है, और इसका जो इस लैमिला में ये क्या करता है मिडरिब का फॉर्मेशन करता है, वाइल जो लोअर पोर्शन है वो नीचे क्या करता है लीफ बेस का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे ये चीज दिया गया है कि जो पेटियोल होता है वो क्या होता है स्मॉल अपेंडेजेस होते हैं, स्मॉल जो स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। इसका जो अपर पार्ट है वो लीफ लैमिला से अटैच होता है। इसका जो अपर पार्ट है ये वाला पार्ट, ये क्या होता है लीफ लैमिला से अटैच है, और यहाँ पे आगे चल के ये किस चीज का फॉर्मेशन करता है मिडरिब के साथ कंटिन्यू करता है, और इसका जो लोअर पार्ट होता है वो क्या होता है लीफ बेस के साथ अटैच्ड होता है। और इस तरीके से जो पेटियोल है उसका स्ट्रक्चर होता है। जिन
जिन इस लीफ के पास पेटियोल नहीं होता ऐसी लीफ को कहते हैं ससाइल लीफ। जैसे कि जिन फ्लावर के पास पेडंकल नहीं होता उन्हें कहते हैं ससाइल फ्लावर। जैसे कि मान लो कुछ जैसे फ्लावर्स क्या होते हैं, ऐसे डंडी होती है, वहाँ पे कैसे डंडा निकलता है उसके ऊपर ये फ्लावर्स बनते हैं। लेकिन कुछ फ्लावर्स होते हैं जो डायरेक्ट स्टेम पे अटैच होते हैं, तो ऐसे फ्लावर को कहते हैं ससाइल फ्लावर्स। उसी तरीके से कुछ लीफ होती है जो किस तरीके से पेटियोल, मोस्टली जो लीफ होते हैं इस तरीके के पेटियोल पे लगी होती है, लेकिन कुछ लीफ होती है वो डायरेक्ट स्टेम पे लगी होती है, तो ऐसे लीफ को कहते हैं ससाइल लीफ। जिनके पास पेटियोल एब्सेंट होता है ऐसे लीफ को हम लोग कहते हैं ससाइल लीफ। तो पेटियोल्स के भी कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। पहला क्या है टाइप ऑफ पेटियोल्स के बारे में देखें तो कुछ पेटियोल्स विंग्ड पेटियोल्स होते हैं, दूसरा क्या है टेंड्रिल पेटियोल्स होते हैं, तीसरा क्या है फाइलोड पेटियोल्स होते हैं, और चौथा क्या है फ्लोटिंग पेटियोल्स होते हैं। तो चारों को एक बार समझ लेते हैं। पहला क्या था विंग्ड पेटियोल्स, दूसरा क्या है हमारे पास टेंड्रिल्स, तीसरा क्या है हमारे पास जो है कि फाइलोड, और चौथा क्या है हमारे पास जो है फ्लोटिंग पेटियोल्स। पहला है हमारे पास क्या विंग्ड पेटियोल्स, पहला है हमारे पास क्या विंग्ड पेटियोल। विंग्ड पेटियोल में हम क्या देखते हैं कि हमारा जो नॉर्मल स्ट्रक्चर इस तरीके से स्टेम था, इस तरीके से पेटियोल था, और मतलब कि थोड़ा पतला पेटियोल था, उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे लीफ बनी हुई थी। अब क्या होगा कि हमारा जो पेटियोल इस तरीके से सिंपल सा सीधा सा बेचारा सीधा साधा लड़का था, अब वो बेचारा खा खा के गोलगप्पा हो चुका है, खा खा के क्या हो चुका है गोलगप्पा हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि हमारी जो लीफ थी उसके पास जो पेटियोल प्रेजेंट था वो खुद जो है फ्लैट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, वो खुद जो है इस तरीके से फ्लैट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है। तो ऐसी लीफ को कहते हैं, ऐसा जो पेटियोल होता है इसे कहते हैं विंग्ड पेटियोल, ऐसे पेटियोल को कहते हैं विंग्ड पेटियोल। मतलब कि ये वाला जो स्ट्रक्चर था ये खुद फ्लैट होके विंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, तो ऐसे पेटियोल्स को कहते हैं विंग पेटियोल। अगर आपने सिट्रस फैमिली का कोई प्लांट ध्यान से देखा है, देखा तो सबने होगा, नहीं तो नींबू का प्लांट तो देखा ही होगा, अगर सिट्रस फैमिली का कोई भी प्लांट ध्यान से देखा है तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा कैसा स्ट्रक्चर, आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, एक मिनट मैं फिगर दिखाती हूँ, ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए, आ जाओ भाई, यहाँ पे देखिए ये लीफ है सिट्रस फैमिली की, और इसकी पेटियोल जो है वो इस तरीके से विंग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ऐसे पेटियोल्स को हम लोग कहते हैं विंग्ड पेटियोल्स। तो ये पेटियोल्स का पहला टाइप था। दूसरे टाइप में हमको पढ़ना है टेंड्रिल पेटियोल्स। टेंड्रिल पेटियोल्स में क्या होता है, टेंड्रिल पेटियोल्स में क्या होता है कि जैसे हमारा नॉर्मल पेटियोल कैसा था, टेंड्रिल पेटियोल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से हमारा नॉर्मल ऐसे स्टेम था और यहाँ पे पेटियोल था, और ये पेटियोल आगे चल के जो इस तरीके से लीफ बना रहा था। लेकिन टेंड्रिल पेटियोल्स में क्या होता है कि ये बेचारा जो सीधा साधा पेटियोल था इसको इसके दोस्तों ने घुमा रखा है, और ये बेचारा इस तरीके से एकदम वीक स्टेम बन चुका है, और ये इस तरीके से पेटियोल का स्ट्रक्चर जो है कि वो विंग्ड जो पेटियोल का स्ट्रक्चर है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट जाता है। मतलब कि ये ऐसा लीफ बन जाएगा जो कि सीधा खड़ा नहीं पड़ता, तो इस टेंड्रिल की सहायता से किसी सपोर्ट को ये मतलब कि पकड़ेगा, और इसकी सहायता से ये प्लांट सीधा खड़ा हो पाएगा। मतलब कि ये जो वीक स्टेम वाले प्लांट्स होते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो सीधा पेटियोल था वो क्या हुआ टेंड्रिल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और ये फिर क्या किया प्रोटेक्शन का काम जो है कि परफॉर्म कर रहा था। यहाँ पे देखिए मैं आपको फिगर दिखाती हूँ, ये देखिए ये वाला फिगर, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है कि ये स्टेम है, हमारे पास क्या है ये वाले देखिए स्टेम है, मैं कलर चेंज करके दिखाती हूँ, ये हमारे पास देखिए स्टेम है। स्टेम में क्या है इस तरीके से लीफ के लिए पेटियोल निकली हुई है, इस तरीके से यहाँ पे देखिए लीफ के लिए पेटियोल निकली हुई है, और ये पेटियोल इस तरीके से किसी बेस के पीछे से आ रही है, और यहाँ पे निकलने के बाद फिर ये जो है लीफ का फॉर्मेशन कर रही है। मतलब कि जो सिंपल सी ऐसे सीधी पेटियोल थी वो इस तरीके से एकदम टर्न होकर जो है टेंड्रिल का फॉर्मेशन करती है, जो कि सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो प्लांट को सीधा खड़ा करने के लिए हेल्प करते हैं, तो ऐसे पेटियोल्स को हम लोग कहते हैं टेंड्रिल पेटियोल्स। थर्ड में हमारे पास क्या है, थर्ड में हमारे पास है फाइलोड पेटियोल्स। फाइलोड पेटियोल्स का पहले फिगर देख लीजिए, यहाँ पे क्या होता है कि जो पेटियोल्स होते हैं वही जो है लीफ में मॉडिफाइड जाते हैं, जो पेटियोल्स होते हैं यही पेटियोल्स आगे चल के लीफ का फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ पे जो लीफ होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये ऐसे फंक्शन को कहते हैं फाइलोड। यहाँ पे जो पेटियोल होते हैं वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं किसका, लीफ का, फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्या है फ्लोटिंग लीफ या फ्लोटिंग जो पेटियोल्स होते हैं, यहाँ पे देखिए ये एक्वेटिक प्लांट्स हैं, और यहाँ पे देखिए कि ये जो है लीफ है,
ये देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ से ऐसे लीफ बना रहा है, लेकिन इसके नीचे यहाँ पे देखिए ऐसा स्वेलन सा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे बहुत क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पे आगे जो है यहाँ पे इस तरीके का आगे जो स्ट्रक्चर देखिए वो लीफ है। इसके बाद एक छोटी सी ऐसी डंडी बनी और ये जो पेटियोल है वो इस तरीके से स्वेलन स्ट्रक्चर बना लेता है जो कि प्लांट को सर्फेस पे फ्लोट करने के लिए हेल्प करता है। तो ऐसे पेटियोल्स को कहते हैं हम लोग जो है कि फ्लोटिंग पेटियोल। तो चार तरीके के पेटियोल्स होते हैं, पहला होता है विंग पेटियोल, दूसरा होता है टेंडल पेटियोल्स, तीसरा होता है फाइलोड और चौथा होता है फ्लोटिंग पेटियोल। तो एक ही करके सबको देख लेते हैं। विंग पेटियोल में क्या होता है, द पेटियोल मॉडिफाइड इनटू फ्लैटेंड विंग लाइफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो पेटियोल्स होता है वो विंग लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड होता है, जैसे सिट्रस फैमिली में। टेंडल पेटियोल्स में क्या होता है कि पेटियोल मॉडिफाइड इनटू थिन वायरी स्ट्रक्चर, जो पेटियोल है वो थिन वायरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट जाता है जो कि प्लांट को क्लाइंब करने में हेल्प करता है। जैसे एग्जांपल निफेंथस, जिसे हम लोग कहते हैं कि वीनस, जो कि एक प्रकार का इंसेक्टिवोरस प्लांट है। नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो है फाइलोड। नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो है फाइलोड। यहाँ पे क्या है, पेटियोल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द लीफ बाय द मॉडिफाइंग इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो पेटियोल है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो जाता है और लीफ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जैसे कि अकेसिया में आपको देखने को मिलेगा। तो हमने तीन चीज़ आपको पहले ही बताया था कि तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी आपको पढ़ना है, फाइलोक्लेड, क्लैडोड और जो है फाइलोड। तो फाइलोक्लैड हमने पढ़ लिया था जहाँ पे स्टेम मॉडिफाइड हो रहा था लीफ में और लीफ मॉडिफाइड होता है स्पाइंस में। क्लैडोड भी हमने पढ़ा था कि यहाँ पे ब्रांच मॉडिफाइड हो रहा था लीफ में, यहाँ पे ब्रांच नहीं बन रही थी और लीफ जो था वो स्केरी लीफ में कन्वर्ट हो जाता था, उसे हम लोग कह रहे थे क्लैडोड। और यहाँ पे फाइलोड में हमने क्या देखा, फाइलोड में हमने देखा कि इसको डिलीट कर दीजिए, फाइलोड में हमने देखा कि यहाँ पे जो लीफ जो पेटियोल है वही मॉडिफाइड हो जाते हैं इन फॉर्म ऑफ लीफ और ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस का। नेक्स्ट में हमने देखा फ्लोटिंग पेटियोल, यहाँ पे जो पेटियोल है वो स्पॉन्जी होते हैं और ये जो है फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। ये बल्बस पेटियोल मतलब ऐसे गोल फूले फूले से पेटियोल्स होते हैं जो कि फ्लोट में हेल्प करते हैं, एग्जाम्पल आपको इकॉर्निया और ट्रापा होता है। तो इस तरीके से हमने दो जो बेसिक स्ट्रक्चर थे किसी लीफ के, जो लीफ लैमिला था और सॉरी लीफ बेस था और लीफ पेटियोल्स था, उसको हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लीफ लैमिला डिस्कस करेंगे, उसके बाद लीफ वेनेशंस और लीफ फाइलोटेक्सिस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लीफ के डिफरेंट मॉडिफिकेशंस को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।